हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरोहित। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टल नंबर्स का मेथड नंबर 3, और ये है अपना क्या मेथड नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में अपन ने क्या पढ़ा था, वहां पे कि जहां पे आपका कैरी जनरेट हो रहा था तो वहां पे अपना आंसर ट्रू फॉर्म में था और पॉजिटिव था। ठीक है, और आज की वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे कि मेथड कौन सा यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग एट्स कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसके बाद में जो भी इसका प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस करने के बाद में अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो उसके आगे स्टेप क्या करना है, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आपके सामने मैंने स्टेप्स लिखी हुई है, तो आपने अगर इसका वीडियो नहीं देखा हुआ, पहला वाला जो जहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, तो एक बार देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और ये आपको स्टेप्स पता चल जाए कि एक्जैक्टली स्टेप्स है क्या। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इन चारों स्टेप को मैं एक बार रीड कर लेता हूं और आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्जैक्टली अपन आज क्या पढ़ने वाले करके। ठीक, तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका कि ऑब्टेन द एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, अपने क्या करना है, सिंपल सा कि सबसे पहले एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेकेंड नंबर का अपने को। ठीक है, तो जैसे ही वो निकालेंगे, सेकेंड स्टेप क्या है अपना, एड फर्स्ट नंबर टू द एट्स कॉम्प्लीमेंट नंबर। यानी आपका जो फर्स्ट नंबर होगा जिसे आप माइनस कर रहे हो उसको, और सेकेंड नंबर का जो एट्स कॉम्प्लीमेंट उसको अपन एड कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या बोलता है, इफ कैरी इज प्रोड्यूस इन स्टेप नंबर 2 देन डिस्कार्ड इट, द एडिशन इज द आंसर इन इट्स ट्रू फॉर्म। अब ये जो वाला स्टेप है ये अपन ने पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया हुआ। ठीक है, आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, ये जो फोर्थ पॉइंट है इसके ऊपर अपन पूरा अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। इफ कैरी इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन स्टेप नंबर 2 देन द आंसर इज नेगेटिव, फाइंड द एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम प्रोड्यूस्ड इन स्टेप नंबर 2 टू गेट द आंसर इन इट्स ट्रू फॉर्म। समझ में आया, यानी क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है स्टेप नंबर 2 में तो आंसर आपका नेगेटिव रहेगा। तो क्या करेंगे, उसका एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो आपका सम बना हुआ है स्टेप नंबर 2 में, ताकि अपने को वहां पे आंसर बराबर से मिल सके। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले, जहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन 161 base 8 माइनस 243 base 8 यूजिंग एट्स कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखना आपको अच्छी तरीके से क्या, जब भी आप कोई सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो वहां पे आपको मेथड गिवन रहेगा कि आपको एट्स कॉम्प्लीमेंट से करना है, कि सेवन्स कॉम्प्लीमेंट से करना है, कि नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट से करना है, या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आते हैं यहाँ पे इसके सोल्यूशन के ऊपर। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 243 base 8। यानी क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड नंबर है उसका अपन क्या निकालेंगे, एट्स कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक, तो सेवन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 777 में से उस 243 को माइनस कर दो। तो 7 माइनस 3 किया तो 4 मिला, 7 माइनस 4 किया तो 3 मिला, 7 माइनस 2 किया तो 5 मिला। बराबर, अब ये मेरा यहां पे क्या आ गया है, ये आ गया मेरा सेवन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेरा क्या है, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट। अब एट्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ है उसमें प्लस 1 कर दो तो अपने को एट्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो देखो, 4 प्लस 1 किया तो कितना मिला, 5 आ गया, ये 3 और ये 5 मेरा एज इट इज आ गया। तो एट्स कॉम्प्लीमेंट क्या आंसर आया 243 का, 535। इतना क्लियर अच्छी तरीके से, पक्का आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 क्या बोलते हैं अपने कि जो अपना फर्स्ट नंबर था 161, इसको और जो अपना एट्स कॉम्प्लीमेंट आया है 535, इसको ऐड करना है। तो वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ऐड 161 base 8 एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 243 base 8। ठीक है, अपन ऐड करेंगे सिंपल सा, तो 161 प्लस 535 ऐड करो सिंपल से, क्या आएगा, 5 प्लस 1 प्लस 5 किया तो 6 मिला, 6 प्लस 3 करेंगे तो कितना होता है, 9 होता है। तो अपने ऑक्टल सिस्टम में 9 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 8 से, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखूंगा। तो 8 वन जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1। बराबर, तो यहाँ पे देखो, अब ये 1 मेरा 8 से छोटा है तो यहाँ पे मैं प्रोसेस को स्टॉप कर दूंगा। तो जो मेरा 9 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 11 यानी 11 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, ये एक 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 मेरा यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, ये आ गया मेरा यहाँ पे 7। यानी यहाँ पे कैरी कितना जनरेट हुआ, 0 कैरी जनरेट हुआ। बराबर, अब 0 क्या इंडिकेट करेगा कि रिजल्ट इज नेगेटिव, यानी अपने को यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट, ये जो मेरा रिमेनिंग आंसर है 716, इसका मुझे यहाँ पे एट्स कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो दैट इज आवर स्टेप नंबर 3, टेक एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फाइनल रिजल्ट। यानी 716 का अपने को यहाँ पे एट्स कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, चलो वो एक बार के लिए देखते हैं।
सिंपल से क्या करना है यहाँ पे, अगेन आपको पता है 8's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना, आपको पता चल गया है कैसे निकालते हैं, 777 में से उसको माइनस कर दो फिर प्लस 1 कर दो, यानी 716 को अपन क्या करेंगे 777 में से माइनस करेंगे, जो सोल्यूशन आएगा 7's कॉम्प्लीमेंट उसमें अपन प्लस 1 करेंगे तो अपने को 8's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो देखो 777 में से 716 माइनस किया तो 7 माइनस 6 किया तो 1 मिला, 7 माइनस 1 किया तो 6 मिला, 7 माइनस 7 किया तो 0 मिला। अब प्लस 1 कर दो तो कितना मिल जाएगा अपने को, 1 प्लस 1 किया 2, ये आ गया 6, तो 62 मिला अपने को एज अ 8's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 716 का। समझ में आया? नाउ अब 62 मिला अपने को, तो अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो देखो 161 अपना क्या है, छोटा नंबर है, 243 बड़ा नंबर है, मतलब अपने को आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, राइट। तो अपने को जो आंसर मिला यहाँ पे 62, ये अपने को क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, यानी हैंस 161 बेस 8 माइनस 243 बेस 8 इक्वल्स टू माइनस 62 बेस 8 एंड द आंसर इज नेगेटिव। समझ में आया? ये जो नेगेटिव है ये अपना होल आंसर का नेगेटिव है, ठीक है। वो पहले वाला जो यहाँ पे अपने को नेगेटिव मिलता है इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे जीरो इंडिकेट करता है कि ये आंसर नेगेटिव फॉर्म में, ये अपना ट्रू आंसर नहीं है, ठीक है। ये खाली है नेगेटिव फॉर्म में लेकिन अपना ट्रू फॉर्म में नहीं है, तो जो अपना आंसर नेगेटिव और ट्रू फॉर्म में आया वो कौन सा आया हुआ है, माइनस 62, ये अपना नेगेटिव भी आ गया और अपने ट्रू फॉर्म में भी है। अभी हुआ क्लियर अच्छी तरीके से? तो ये था यहाँ पे क्या अपना मेथड नंबर 3 का, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8's कॉम्प्लीमेंट का पार्ट नंबर 2। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो है जो DELT में आने वाले। और हाँ, आने वाले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, ऑक्टल मल्टीप्लीकेशन, यानी ऑक्टल सिस्टम में मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करना चाहिए, क्या मेथड है, वो अपन सारा आने वाले वीडियो में देखने वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।